हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम बात करते हैं मैनी क्वीन के बारे में, जिसे आम भाषा में हम डमी कहते हैं। तो आज मैं इसमें इसकी लाइंस के बारे में और जो कट है उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो ये लाइनें दी हुई है इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइनों के बारे में जो इस पे बनी हुई है। ये लाइनें आपको सही से नहीं दिख रही, इसलिए मैं इनको हाईलाइट करने के लिए चॉक का यूज करूँगी। इसमें जो ये लाइनें बनी हुई है इन्हें प्रिंसेस लाइन कहते हैं, और जो ये बीच में लाइन बनी हुई है इसे सेंटर लाइन कहते हैं। उसके बाद में यहाँ जो लाइन होती है उसे हम एम्पायर लाइन बोलेंगे, और जो नीचे लाइन होती है उसे सेंटर लाइन बोलेंगे, और उसके बाद ये हिप। अब हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से साइज में और कौन से कलर में मिलती है और इनका यूज कहाँ किया जाता है। ये जो मैनी क्वीन होती है ये दो तरह की होती है, एक ड्रेपिंग करने के लिए यूज होती है और दूसरी जो होती है वो फैब्रिक को डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है, जिनका यूज स्टोर में या फिर शॉप पर किया जाता है। और अब हम इनके साइज के बारे में बात करते हैं। ये अलग अलग साइज में मिलती है, जैसे मेरे पास ये 8 नंबर की मैनी क्वीन है, ये 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर में मिलती है, जो इनके चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम इनका यूज कर सकते हैं। ये 34 साइज की मेरे पास है, ये 36 में, 38 में और 40 नंबर में उपलब्ध है। और ये एडजस्टेबल भी है, इनके शोल्डर अंदर और बाहर की तरफ होते हैं। जब हम इसके अंदर फैब्रिक पहनाते हैं इसको, तो इन शोल्डर को अंदर की तरफ करके और फिर हम फैब्रिक को पहनाते हैं ताकि हम उसे ईजी पहना सकें। उसके अलावा ये एडजस्टेबल भी है, जिसे हम अपने साइज के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसमें ये जो हैंडल दिया हुआ है इसको प्रेस करने पर ये नीचे हो जाती है, और फिर इसको ऊपर लाने के लिए हम इसको दोबारा से प्रेस करेंगे, जिससे हम अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये फैशन डिज़ाइनर स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उन्हें ड्रेप करने में इसमें इससे इजी रहता है, और उसके अलावा ये ड्रेस के साइज को सही तरीके से हम इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर मिलती है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर हम इसे खरीद सकते हैं। मैंने ये ऑफलाइन ली थी दिल्ली के गांधीनगर मार्केट से। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये 1500 रुपये से लेकर 8, 10 और 12000 की रेंज में भी मिलती है। उनमें डिफरेंस ये होता है कि जितनी रेंज कम होगी उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी। उसमें जो ये फैब्रिक होता है वो हल्का होता है, जो ड्रैप करने पे जब हम ये पिन इसमें अटैच करेंगे तो फैब्रिक के फटने का डर रहता है। और जो हाई रेंज की होती है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिसमें ये फैब्रिक के फटने का डर नहीं रहता। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैनी क्वीन पर ड्रैपिंग करने के बारे में बताएंगे। थैंक यू।